शहर के शासकीय छात्रावास की संदिग्ध स्थिति में गायब हुई दोनों बालिकाएं चंद्रपुर में मिली हैं। शनिवार सुबह उन्हें नागपुर लाया गया। सदर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। बता दें कि संदिग्ध स्थिति में गायब हुई बालिकाएं 12 और 14 वर्ष की हैं। वे कक्षा 7वीं में काटोल रोड स्थित जिला परिषद स्कूल में अध्ययनरत है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2022 की सुबह 11 बजे छात्रावास से उन्हें स्कूल भेजा गया। स्कूल के गेट पर छोड़ने के बाद वह गायब हो गई। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं मिला तो मामला थाने पहुंचा। बालिकाओं की आयु कम होने से सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों पर प्रकरण को अपहरण की श्रेणी में दर्ज किया गया। दो दिन बाद भी बालिकाएं नहीं मिली तो गंभीरता बढ़ गई। सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, उपायुक्त विनीता साहू, वरिष्ठ निरीक्षक विनोद चौधरी सदर थाने पहुंचे। उनके मार्गदर्शन में तत्काल अलग अलग टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड परिसर में खोजबीन की गई, जिसके बाद अंततः पुलिस को जानकारी मिली कि बालिकाओं में से एक की माँ और भाई चंद्रपुर के प्रकाश नगर में रहते हैं। इसके पश्चात तुरंत ही रात में एक टीम चंद्रपुर के लिए रवाना की गई। दोनों बालिकाएं वहां घर में मिली। बालिकाओं को शनिवार सुबह 4 बजे सकुशल नागपुर लाया गया। बालिकाओं ने बताया कि वह खुद ही ट्रेन में सवार होकर चंद्रपुर गई थी। उन्हें छात्रावास प्रबंधक के सुपुर्द किया गया है। फिरियादी है अंजलि राजेश निंबाड़कर। श्रीमती अंजलि राजेश निंबाड़कर, ये शासकीय मुलिंचा स्थित काटो रोड, यहाँ पे अधीक्षिका है ये मैडम। इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया था कि उनके यहाँ पे दो लड़कियाँ, माइनर लड़कियाँ 12 साल की और 14 साल की, जो वहाँ पे दाखिल हुई थी और वहाँ से पढ़ाई कर रही थी। दाखिल होने के बाद में स्कूल बंद थी कोविड पीरियड के कारण, और 24 तारीख को जब स्कूल चालू हुई तो दोनों लड़कियाँ स्कूल जाते बोल के, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाजू में स्कूल है, वहाँ पे गए थे ये लोग। और जब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी जब ये रिटर्न नहीं आए, तब उन्होंने मालूम पड़ा कि दोनों लड़कियाँ बेपत्ता हुई है। उसके बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन सदर में रिपोर्ट दिए। उस रिपोर्ट पे से अपन ने वरिष्ठों को माहिती दी है। वरिष्ठों ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी, जॉइंट सीपी मैडम, रीजन सर, डीसीपी मैडम, एसीपी मैडम, सभी पुलिस स्टेशन सदर में आकर उनके मार्गदर्शन में लड़कियों की खोज के लिए अलग अलग पथक बनाए गए और नागपुर शहर के बस स्टैंड, एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, संतरा मार्केट, इस दरम्यान में उन लड़कियों का शोध लिया गया है। शोध लेते समय संतरा मार्केट के पुलिया के नीचे में एक माइनर लड़की के पेरेंट्स मिले। उनसे जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि दूसरी जो माइनर लड़की है ये चंद्रपुर में उसके कुछ रिलेटिव रहते हैं। उसी समय एक पुलिस स्टेशन सदर से एक पथक वरिष्ठों के मार्गदर्शन में चंद्रपुर भेजा गया और चंद्रपुर पुलिस की मदद से वहाँ पे एक इलाका है प्रकाश नगर, वहाँ पे भी एक लोगों का डेरा है। उस डेरे में शोध मुहिम चलाई गई और आज सवेरे वो दोनों लड़कियों को हमने ताबे में लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले को दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।